हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारी सेहत जो है हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई है। तो जितनी भी समस्याएं अगर हमारे पाचन तंत्र में रहती हैं, चाहे वो हाजमे से जुड़ी हो, एसिडिटी हो, आपको कब्ज़ हो, भूख ना लगना हो, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये सब जो है हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो आपकी सेहत अच्छी नहीं रह सकती। आपको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई रोग जो है घेर ही लेगा। तो इन सब जो पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हैं, इनमें एक समस्या रहती है एसिडिटी की। तो ये हाइपर एसिडिटी की समस्या बेसिकली जो है, अगर हम बात करें तो हमारे डाइजेशन के साथ साथ हमारे लीवर की डिस्टर्बेंस के साथ भी होती है। क्योंकि अगर आपका लीवर में बाइल प्रोडक्शन ज़्यादा है, मतलब कि अगर हम आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो आपका जो लीवर में अगर पित्त जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये पित्त के बढ़ने के कारण से जो है आपको जो है एसिडिटी होगी, आपके पेट में जलन है, आपको खाना खाने के साथ ऐसा उल्टी जैसा महसूस होता है। तो ये सारी समस्याएं हल करने के लिए और आपके लीवर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि आपको प्रिस्क्राइब करने के लिए है। तो आप जो है इसमें भू नीम आदि क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। भू नीम आदि क्वाथ आपके लीवर के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और उसके साथ ही जो है आपकी हाइपर एसिडिटी की समस्या, जो ज़्यादा आपको तेजाब बन रहा है, उससे निजात दिलाएगा। तो आप जो है दो दो चम्मच सुबह शाम अगर भू नीम आदि क्वाथ का सेवन जो है पानी के साथ मिला करके करना शुरू करेंगे तो उससे आपके एसिडिटी की समस्या में आपको बहुत आराम मिलेगा। नो डाउट आपको इसमें परहेज़ का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो परहेज़ के तौर पर आप जो हैं ज़्यादा गर्म चीज़ें, मिर्च मसालेदार तला हुआ खाना नहीं खाए, बहुत ज़्यादा देर तक खाली पेट ना रहें, क्योंकि खाली पेट भी जो है हमेशा पित्त का प्रकोप जो है ज़्यादा होगा अगर आप ज़्यादा फास्टिंग पे आ जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वाटर इंटेक जो है अपना बढ़ा लीजिए ताकि वो एसिड न्यूट्रलाइज होने में और मदद मिले। जब आप दवा लेंगे उसके साथ भी आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा लेंगे तो आपको जो है जल्दी इसमें आराम भी होगा। तो आप ज़रूर ये सारे टिप्स का ध्यान रखते हुए भू नीम आदि क्वाथ का प्रयोग अपनी एसिडिटी की समस्या मिटाने के लिए कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जो है हेल्थ टिप पसंद आया होगा और आप ज़रूर इस दवा का फ़ायदा उठाएंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी अच्छी लगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।